ये कहानी 600 साल पुरानी है। ये कहानी है एक किसान की, ये कहानी है एक भक्त की, ये कहानी है एक बाप की, ये कहानी है बाबा जित्तो की। हाँ, ये चिड़ी माता बहुत शक्तिशाली है और वे बाप बेटी हैं। ये इनका वैष्णो का रूप ही है इनका, ये वैष्णो रूप में यहाँ आए हैं। ये बाप बेटी रहते थे पहले किसी युग में। आप यहाँ कब से आ रहे हैं और क्या लगता है आपको जो आप मांगते हैं वो पूरी होता है यहाँ? हम यहाँ काफी देर से आ रहे हैं और जो मांगते वो मिलता है हमें। जय जिड़ी माता। हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से भी यहाँ पर आते थे किसी दिन को, आज से नहीं, जब से हम जन्मे हैं तब से ही हम इस लाइन में हैं। हमारे बुजुर्ग बड़े जो बूढ़े थे पाकिस्तान थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था तब भी आते थे, चलकर आते थे, जहाँ से जिड़ी से कटरा नंगे पांव चलकर जाते थे वैष्णो देवी के लिए, तब से आते हैं। तब बिल्कुल मुराद पूरी करती है जी, से हाथ पर सरों जमाने वाली बात है जी, जो मांगो मिलता है। जन्म बावेदा नारी मंगल गाई, आंदियां नारियां गान बजावे जुड़बिद माता गाई, चिट्टा गुड़ पन्या चंगेरी नगर देओ बंडाई, सद्दी पंडित बेड़ बाल दे रासी नाम रखाई, रखाई। हमें 3 साल हो गए हैं और हमारे ये कुल देवता जो होते हैं वो हैं कुल देवी, तो इसलिए हम यहाँ माथा टेकने आते हैं। आपको क्या लगता है जो आप मानते हैं वो मन की मुराद रूप पूर्ण होती है? देखो, ये तो मानने की बात है, कोई नहीं मानता कोई मानता है, जो मानता है वो आते हैं। देखो जी, ये हमारी है कुल देवी, हमें पता नहीं था पहले, ये हमें अपने बड़ों से पता लगा था कि कुल देवी है हमारे यहाँ मत्था, ये वो दाती जी, हम यहाँ मत्था टेकने आए हैं अपने बड़ों को भी, हमारे जो बुजुर्ग थे वो उनके लिए, उनकी शांति के लिए प्रार्थना, उनको भगवान माता अपने चरणों में वास दे, सुख शांति प्रदान करे, अपने वंश को आगे बढ़ाएं। माता को तो गिनती आती नहीं, वो मांगते एक हैं देती लाख। सुनदा पचियाला बाबा बंदी त्रुगटा माई, जेड़ा ओदी शरणी आउंदा दिंदा आस पुजाई, सखी चाची जित्तो केड़ी ए गल पांदी नाई, वैष्णदा अवतार देवी कोड़ी नाम रखाई, वैष्णो का रूप है, छोटी बच्ची के रूप में है, यहाँ खिलौने चढ़ते हैं, खिचड़ी चढ़ती है प्रसाद के रूप में, तो वही कंजकें भी करते हैं जाके खिचड़ी की, हलवा बनाते हैं। कहता अच्छा लगता है जहाँ माता को मत्था देखते हैं, माता जी को शांति, हमें भी शांति मिलती है, इसलिए यहाँ आते हैं। 2-3 साल हो गए, पहले पता नहीं थी, हूँ पता लग गया, हूँ आने लग गए हैं। लड़के की शादी की पहली बार बच्चों को लेकर, हम जो भी माता रानी से मांगते हैं हमारी सभी मनोकामना पूरी होती है। हम
हम इसलिए विश्वास के पात्र जहाँ आते हैं तो हर साल जब भी मेला होता है पहले इधर ही आते हैं। ओतर चलिए जितो ने डैन बनाई उठ माता तू लगर सोई औगे जितो मकाई बिज गुफा दे बैठी है दुर्गा जागे ज्योत नराली। देखिए बाबा जी का ये जो स्थान है ये बड़ा ही प्राचीन है। धन धन बाबा जितो धन भावे दी कमाई जिसने चार कूट दुनिया जंगल विच नवाई। ये दिन जो है ये पर्व कार्तिक मास की जो पूर्णमासी होती है उस दिन ये मनाया जाता है। विशेष रूप से इसको बाबा जितो जी के इस मंदिर की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन कार्तिक मास की पूर्णमासी को बाबा जी के इस मंदिर की जो है स्थापना हुई थी इसलिए ये मनाया जाता है। पूरे देश के भिन्न भिन्न कोनों से भिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न भाषाओं से जुड़े लोग बाबा जी के दर्शनों के लिए आते हैं। बाबा जी से जो भी मनोकामना मनोरथ उनके होते हैं वो पूर्ण होते हैं वो सिद्ध होते हैं और उनका विश्वास उनकी आस्था बाबा जी के चरणों की तरफ बढ़ती है इसलिए बारम्बार हर साल जो है आगंतुक जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ती रहती है। अंध गुफा दे खड़ोता बाबा कन्या नजरी आई दिखिए कन्या की जितमल बाबा मन अपना समझाई। देखिए बाबा जी जो थे वो मां भगवती के परम भक्त थे। वरदान के रूप में मां भगवती ने उनके घर में जन्म लिया। 5 साल तक उन्हें अपनी बाल लीलाएं दिखाई और उसके बाद में बाबा जी के साथ में वो सती हो गईं। चूंकि बुआ दाती 5 साल की एक कन्या है उनको रिझाने के लिए उनके खेल खिलौने जो भक्त उनके चरणों में अर्पित करते हैं इसलिए यहाँ पर खेल खिलौने चढ़ते हैं। सबसे पहला भोग जो बाबा जी के दरबार में उनके स्थापना के दिवस पर चढ़ाया गया वो एक खिचड़ी के रूप में था इसलिए लोग यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाते हैं और खिचड़ी को ऐसा प्रतीक भी मानते हैं कि जो बाबा जी से प्रसाद रूप में खिचड़ी ले जाते हैं उससे घर में धन धान्य परिपूर्ण रहता है माँ की कृपा उन पर बनी रहती है। देवी वैष्णो जितोगी समझाई आख न बोला बैमना ऐसा गे फल पाई। हर साल बाबा जितो के देवस्थान झिड़ी में इसी तरह से मेला लगता है और इस मेले में अगर बात करें पूरे हिंदुस्तान की तो नॉर्थ इंडिया से काफ़ी सारे श्रद्धालु यहां पर आते हैं बाबा जितो के देवस्थान पर माथा टेकते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहां पर जो लोग भी सच्चे दिल से मन की मुराद मांगते हैं उनकी मुराद ज़रूर पूर्ण होती है। यहाँ पे बाबा जितो और बुआ कोड़ी जी को जो है प्रसाद के रूप में गुड्डा और गुड्डी भी चढ़ाई जाती है साथ में बच्चों के खेलने वाले बॉल भी चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि ये सब से जो है बाबा जितो जी की बिटिया जो कि बुआ कोड़ी के नाम से भी जानी जाती हैं वो काफ़ी प्रसन्न होती थी और इस तरह से ये चीज़ें चढ़ाने के बाद लोगों की मन की मुराद ज़रूर पूर्ण होती है। लोग यहाँ पर काफ़ी मुरादें लेकर आते हैं और जब भी यहाँ से जाते हैं तो हमेशा अपनी झोली भर के जाते हैं। ये मान्यता है ये इतिहास है बाबा जितो के झिड़ी इलाके का। यहाँ पर हर साल झिड़ी का मेला लगता है जहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में आते हैं और बाबा जितो जी और बुआ कोड़ी जी को हाजिरी देते। भगतनी कोई तन तन करे लुकाई बाबा जी तो जिया भगतनी कोई तन तन करे लुकाई सूरज कन्ने चन ते तारे जान दी कुल खुदाई सूरज कन्ने चन ते तारे जान दी कुल खुदाई सूरज कन्ने चन ते तारे जान दी कुल खुदाई पंज सौ साल पहले दी गल पुटिया
बंजर बड़ी है चल 500 साल पहले दी गल पुटिया बंजर बड़ी है चल चिड़ी बवे पी जुगड़ी अल किती है पदरी उपर खल चिड़ी बवे पी जुगड़ी अल किती है पदरी उपर खल खून पसीना एक करी है कणके दी किती रगाई खून पसीना एक करी है कणके दी किती रगाई खून पसीना